मालिक तय करेगा कि तीनों में से नौकर कौन होगा, मेरा कौन मेरा सही सेवा कर सकता है। पाकिस्तान से थोड़ी हम आए हैं, बोल रहे हैं कि बाहरी लोग हैं, क्या बारे में हमको पाकिस्तान से यहाँ वोट मांगने आए, बाहरी बोल देंगे। उनसे पूछते ना कहाँ के रहने वाला है, बाहरी इसमें क्या बात आ गया और भीतरी क्या आ गया, तो 15 साल क्या किए, 20 साल क्या हुआ, वो तो सब आदमी जान रहा है। इसमें भी कोई बुझाने का बात है कि हम बुझ रहे हैं आप नहीं बुझ रहे हैं। बेलागंज की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे पहुंच चुकी है और बेलागंज में दो महायोद्धा आमने सामने होंगे लगातार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कांटो भरा मुकाबला होगा। और ऐसे में लगातार आरजेडी की ओर से सुरेंद्र यादव के बेटे चुनावी मैदान में हैं और वहीं मनोरमा देवी ने भी ताल ठोक दी है और हमारी मौजूदगी बेलागंज में है। तमाम यहाँ की जनता से समझेंगे कि आखिर इस दंगल में कौन किसे परास्त करेगा। क्या लग रहा है कि बेलागंज में कड़ा मुकाबला है, सुरेंद्र यादव का बेटा जीतेंगे कि मनोरमा देवी जीतेगी? देखिए, हमारा तो कहना है कि भाई 35 साल से यहाँ आप जिस उम्मीदवार को देखें, आप परिवर्तन होना चाहिए और नीतीश कुमार के काम के नाम पे अब वोट पड़ना चाहिए। जिसके नीतीश कुमार ने जिस तरह 20 साल में, आज आप ये सड़क देखिए, बिजली का व्यवस्था देखिए, तो जो कुछ काम की कमी यहाँ पर रह गई है, तो अब परिवर्तन के बाद ही वो काम जो है तेजी से। इसको लेके सुरेंद्र यादव से हमारी बात हुई थी, सुरेंद्र यादव ने सीधे तौर पे कहा था कि 35 साल से बेलागंज मेरा घर है, हम डाका नहीं डालने देंगे मनोरमा देवी को। डाका डालने की बात नहीं है भाई, ये लोग जहाँ आई है वहीं भेज देंगे, सीधे तौर पे बोलिए। लोकतंत्र में जनता का मत है, इसको ना कोई डाका डाल सकता है ना कोई दबाव डाल सकता है, जनता से अनुरोध ही कर सकते हैं ना। बेलागंज कौन जीत रहा है, कौन सरताज रहेगा बेलागंज का? ये तो देखिए, ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा। आपको लग रहा होगा ना, आप जिस पार्टी में होंगे आप। हम तो अपना अनुरोध रख दिए कि हमारा अनुरोध है जनता को कि परिवर्तन अब किया जाए। बेलागंज का मुसलमान इस बार मनोरमा देवी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ। अब देखिए, ये बात मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, यादव हो, अगड़ा हो, सबके लिए है कि मुसलमान कोई काम कहीं परिवर्तन होगा या कोई विकास हो रहा है, वो कोई एक जात के लिए तो नहीं है। मनोरमा देवी जीत रही है आपके नजरों में? एकदम जिताना चाहिए। किसके साथ बेलागंज का मुसलमान? असल है कि जनतंत्र में जनता मालिक है, तो मालिक तय करेगा कि तीनों में से हमारा नौकर। लालू जी तो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। नहीं, असल है कि हम, हर नेता बोलेगा मेरे साथ है, वो मैटर नहीं है। मालिक तय करेगा कि तीनों में से नौकर कौन होगा मेरा, कौन मेरा सही सेवा कर सकता है। ऐसे तीनों ही पार्टी के पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अब जिसके मेहनत में कोशिश में दम होगा, जनता जिसको चाहेगी अपना आशीर्वाद देगी, उसका अपना कैंडिडेट चुन लेगी। बोल रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी अबरी नहीं जीतेंगे, लगातार जीतेंगे मनोरमा देवी। तो भैया, जब बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के रहेंगे तब ना मालूम रहेगा। अब बाहरी से पूछेगा तो वो आए प्रचार में, वो पार्टी की ओर से आईन है, उनसे पूछते ना कहाँ के रहने वाला है। आप पूछ लेते हैं। आप लोग बाहरी लोग हैं, बोल रहे हैं आरजेडी वाले लोग कि आप लोग बाहरी लोग हैं, दाएं बाएं सिखा नहीं, रहे नहीं, बाहर हम तो अपनी बात, हम तो प्रचार के लिए आए हैं। अच्छा, तो जो लोकल, जो जो वाले भाई सुन लीजिए, जो लोकल बाहरी, अभी तो कोई पाकिस्तान से थोड़ी हमें आए हैं, बोल रहे हैं कि बाहरी लोग हैं, क्या बारे में हमको पाकिस्तान से यहाँ वोट मांगने आए, बाहरी बोल देंगे? बाहरी इसमें क्या बात आ गया और भीतरी क्या आ गया? नहीं तो जो हमारा, उनका कहना है कि यहाँ के हम लोग निवासी हैं, कौन निवासी, प्रचार प्रसार में है, बाहरी लोग हैं, तो क्या बुझाएगा, किसको बुझाएगा? मतलब काम यहाँ हो रहा है तो उनको नहीं बुझा रहा है कि विकास कौन किया है? इधर आइए, यानी विकास कौन किया, ये तो बुझाएगा ना। तो उनका कहना है कि, मतलब उनका कहना है कि लालू जी तो 15 साल क्या किए, 20 साल क्या हुआ, वो तो सब आदमी जान रहा है। इसमें भी कोई बुझाने का बात है कि हम बुझ रहे हैं आप नहीं बुझ रहे हैं? आप अभी पटना से यहाँ 1 घंटा में पहुँच गए तो आपको नहीं बुझाया? अच्छा, बोल रहे हैं कि क्या हुआ था 90 के दशक में सबको पता है। भैया, विकास के बारे में बोल रहे हैं, तेन को ले जाइए 5 बीघा, जवाब दे दीजिए, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है इसमें। विकास क्या हुआ है, चल जाइए कोना पर 5 बीघा क्षेत्र पड़ता है, कितना पुल बना है और रोड बना है, विकास कहते बोल रहे पाकिस्तान से हम आए हैं, यही तो हम प्रेम से बोल रहे हैं। भैया आए ने बाहर से प्रचार में आए हैं, पार्टी के हैं, ये अपना बोल रहे हैं पक्ष वाले को ना पता भाई। तो आप भी मैक लेकर के घूम जाइए अंदर अंदर कि नीतीश कुमार क्या, कि लालू जी कुछ काम नहीं किया, तो ये भी तो बोल रहे कि नीतीश जी कुछ नहीं किए। नीतीश जी तो जो काम किए हैं, तभी पटना से 1 घंटा में आप यहाँ पहुँच जा रहे, लालू जी के टाइम में 5 घंटा में पहुँचते यहाँ। बिजली हम भी यहाँ बहुत बार, हमारी बहुत रिश्तेदारी है, बहुत सारे वोटर हैं हमारे, हम पटना में हमारा जो है कम से कम यहाँ 50 जगह रिश्तेदार होगा। 35 साल से वही है, अब लोग एक तरफा वोट डाल रहे थे MY समीकरण पे, इस बार वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। भैया बाहरी आदमी जिनको आप बता रहे हैं, देखिए इनको पता नहीं है, अभी ये आए हैं पटना से चल के रोड से ना, गांव में घूमने के ही तो ना विकास पता चलेगा।
रोड पे विकास नहीं पता चलता, गांव में जाने कहिए, सब आदमी से मिलने कहिए, एक चीज आओ तब पता चलेगा विकास। कितना आसान से बोल दिए कि नीतीश कुमार काम न किए तो एक घंटा में आ जाते, ऐसे आ गए पटना से। ये हम मान रहे हैं, जो पहले फंड आता था केंद्र सरकार से, जे बाय डाटा निकालिए, आवाज जो प्रगति 90 के दशक में क्या था, विकास का प्रगति आवाज के दशक क्या है, और सत्र बोल रहे हैं अभी भाई जी बोली ना हमको आपको माइक से, चलिए वो चले गए जीत बेलागंज में कौन पहले जीत देखिए ना भैया, मेरा बात को बोलिए गाड़ी से पूरा बेलागंज प्रखंड घूमने, मेरा बात सुनिए, गली गली जो लाइन की बात कर रहे हैं जाएगी ना तब विकास नहीं है, मेरा बात सुनिए ना, जो लाइन की बात कर रहे हैं, जब बेला एक ऐसा विधानसभा था कि 90 में लाइन था, जब सुरेंद्र यादव जीता तो 90 ने बोल जलाने का काम किया, गया से पटना तक चल जाते हैं, कहीं लाइन का सुविधा नहीं था, वो बेलागंज में था। बेलागंज सुरेंद्र यादव के बेटा जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, बाहरी लोगों को खदेड़ देना है, खदेड़ना क्या है, यहाँ खदराने लायक है ये नहीं है, सब एक हैं। कौन जीत रहे हैं नेताजी? डॉक्टर विश्वनाथ यादव। उधर मनोरमा देवी भी बोल रही है कि पूरा यादव मुसलमान हम ही लोग के साथ, ऐसा बात ना है कि मनोरमा देवी यहाँ जीत जाएगी, मनोरमा देवी अत्री से हार के आई है ना, अब बेलो से हार के जाएगी, इस बार विधायक तय है, विधायक तय है ना, तो कौन जीत रहा भैया? विश्वनाथ जी जीत रहे हैं, का है 35 साल का किया हुआ जो है बोल ही रहे नेताजी सर कि हमारा किला है बेला, वो कैसे ढहेगा? कौन जीतेगा? विश्वनाथ यादव। का है? का है जो कमाया उसी को ना मजदूरी मिलेगा, बताइए लोग नहीं कमाया है का? कहाँ कमाया है बताइए, क्या किया है 10 साल MLC में, क्या किया बताइए, 10 साल MLC रहे हैं क्या किए बताइए, कहीं तो वोट नहीं मिल रहा है देखने के लिए सिल्वर पर। नाम हुआ आपका? अनिल कुमार नाम हुआ। यादव जी? हाँ भाई यादव जी, एकदम यादव जी, तो विवेक कुमार गुप्ता हुआ, साहू समाज में है, साहू समाज अब हाँ, देखिए हलवाई समाज है, देखिए बनिया समाज है, पूरा बेला बनिया समाज रहता है, एकदम सुरेंद्र यादव सारा अथी का नेता, पार्टी से नहीं, आप 12 मार्च में 24 घंटा भी चल जाए, इसी मगर सम्राट नहीं कहते हैं, गेट खुला रहता है, कोई भी आइए जाइए, जाइए नहीं सुख दुख लेके जाइए वहाँ, चलिए हुए ठीक नहीं, चलिए सीधे तौर पे, ये बेलागंज की जनता थी, लगातार बेलागंज की जनता का मूड हम समझ रहे थे, किस बार बेलागंज का सरदार कौन बनेगा? एक्चुअली वी आर कम फ्रॉम असम, असम से आया, असम के रहने वाले हैं, बेलागंज से कोई मतलब? बेलागंज कोई मतलब? आप लोग असम के? असम से। एक बात है, हम लोग चाहते हैं कि नया कुछ चीज हो, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जो नया कंसेप्ट लाया है, हमने तो ज्यादा नहीं जानता उस बारे में कौन जीतेगा कौन हरेगा, ऐसे आप लोग असम के रहने? असम के रहने। चलिए सीधे तौर पे, ये बेलागंज की जनता थी और इन्हीं का मूड समझने के लिए हमारी बेलागंज में मौजूदगी थी, और जनता का मूड समझ रहे थे, कई मुसलमानों ने नीतीश कुमार को बेहतर बताया, तो कई लोगों ने इस बार सुरेंद्र यादव के बेटे को जिताने की बात कही है, जब 13 नवंबर को वोटिंग होंगे और नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कौन आखिर बेलागंज का सरताज बनता है और किसकी जीत होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, बेलागंज।